पटौदी खंड में आज सुबह सुबह हुआ बड़ा हादसा। जोहर की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से 10 मजदूर मिट्टी में दब गए, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। बचाव राहत के कार्य में 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है। बाकियों को निकालने के बाद घायल अवस्था में उनको सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मिट्टी आखिर कैसे गिरी, इसकी जांच की जा रही है। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है। सुबह पटौदी खंड में हुए इस हादसे में पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। मौके पर बड़े बड़े आला अधिकारी पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर मिट्टी कैसे ढही। ये जो माटी मुट्टी खोद रही है, इस तरीका से ये जैसे भी नीचे गई है उस तरीका से दबी है सर। खोदते टाइम दबी है। रोटी खाते सुबह सुबह कौन रोटी खाएगा, ये तो आप भी जानते हो। ये घटना है 10:32 की, ये 10:15 की घटना है। वैसे तो 10:32 में तो हमने निकाल के वापसी भेज दिया था। यहाँ पर ये 7 लोग दबे हैं यहाँ पे द्रापुर के अंदर। क्या क्या नाम है? एक्सपायर हुआ है, एक का कोला, एक का प्रियंका, एक का बिल्लो। जो रेफर किया गया है वो सीरियस है। क्या नाम है, एक बीरा देवी, एक बिमला देवी, और क्या नाम है, एक का नाम का नहीं पता मेरे को, नवीन की वाइफ। अभी सातवा कोई आया नहीं है? सातवा यही है। उसे क्या नाम है? उसका नाम किरण देवी। और जो दबने से बची है, ठीक है, सुरक्षित है? वो सुरक्षित है, वो सीरियस है, अभी यहाँ पे एडमिट है। कुल कितनी काम करेगी? कुल मैडम 8 महिला काम करती थी वहाँ पे। 8 काम करती है? हाँ जी। पूरन सिंह गांव का क्या नाम है, पंच है, लड़का पंच है, वही पंच है। अब तो वो है नहीं कि उनकी देख रेख के लिए रखा गया। हाँ, देख रेख के लिए रखे गए तो वही है मैन, देख रेख के लिए रखा गया। और ट्रैक्टर भी वही चलाता है। ट्रैक्टर भी कौन सी चलाता है? हाँ, कौन सी चलाता है। मेरे को जैसे मालूम पड़े, मेरे को तो जैसे गांव में बताई भी ऐसे ऐसे वो है, वैसे ही बताऊंगा मैं तो। लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।